नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। मैं मेरे जीवन की एक घटना कहता हूँ। जब मैं छोटा था, एक बार मैं अपना जो घर था उसके टेरेस पर बैठा था। रात का समय था और हमारा जो बिल्डिंग था उसके सामने एक और बिल्डिंग था, उस पर रात में पार्टी चल रही थी। उस समय डिस्को डांस बहुत फेमस थे, तो पूरी पार्टी में पार्टी का माहौल ऐसा था, फिल्मी गाना बज रहा था, सब कोई नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, हंस रहे थे। अचानक ऐसा हुआ, कोई एक न्यूज़ ऐसा आता है, समझ लो कि मृत्यु का ही समाचार है। जो पार्टी अरेंज कर रहे थे उसमें से किसी के रिलेटिव या ऐसा कुछ था कि ऐसा कुछ न्यूज़ आता है। थोड़ी देर में आप देखो, पूरी जो पार्टी जिसमें हम कहते हैं हंसी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और अचानक आप देखो पूरा माहौल में एक सन्नाटा छा जाता है। मुझे वहाँ बैठे बैठे पता चल गया कि किसी की जो ये रिलेटिव है उसमें से जो अरेंज कर रहे हैं पार्टी उसके कोई रिलेटिव, नज़दीक के रिलेटिव की डेथ हो गई है, ऐसा समाचार आया। सब मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी पार्टी चालू रखो, ये रखो, लेकिन एक उदासी मैंने देखा पूरी पार्टी पर छा गई है। मुझे तब जो जिसे हम कहते हैं कि मेरे भीतर ऐसा हुआ कि ये हमारी हंसी खुशी है, जिसे हम कहते हैं खुशी या जिसे हम कहते हैं कि उत्सव मनाना, ये उत्सव है कि एक ऐसा समाचार आता है और पूरी उदासी छा जाती है पूरी पार्टी में। ये बात मेरे भीतर बहुत गहरी चली गई। मैं उसके बाद किसी, मैं स्वयं भी हंसता था तो मैं देखता था कि कितनी गहराई से मेरे भीतर से हंसी आ रही है, या कोई और हंसता था, बात करता था उत्सव मनाने की, या ऐसी पार्टियों में जो लोग हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो मैं देखता था गहराई से कि ये जो कर रहे हैं जो कुछ भी, वो कितनी गहराई से प्रकट हो रहा है। जो उदासी है सबके जीवन में आती है, हताशा है, निराशा है, सबके जीवन में आती है। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पर जिसने भी हम कहते हैं परम ज्ञान पाया या ज्ञान को प्राप्त किया, परम समझ को प्राप्त किया जीवन की, तो वो लोग थे, वो लोग हैं जो ना दुख से भागे, ना हताशा से भागे, ना निराशा से भागे, ना उदासी से भागे। इन लोगों ने उदासी को पूरा जाना समझा, दुख को पूरा जाना समझा कि इसका विस्तार क्या है। ये अलग नहीं, हम कहते हैं दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये अलग नहीं, ये एक ही जो भाव है उसका ही अलग अलग स्वरूप है। लेकिन जिसने इसको पूरा जाना, पार किया, उदासी को पूरा पार किया, वही परम ज्ञान तक पहुंच सके। आज की जो रचना है, तो एक रचना है मीरा की अभिव्यक्ति है, उड़ चार कारगा जाने हो मीरा के पतिया परमैया, न कोई पिछाने हो को भी रहीनी को दुख जाने। अर्थात दोनों में वीरा का भाव, उदासी को प्रकट किया गया है। जो भारत का शास्त्रीय संगीत है उसमें ऐसे राग है संध्या समय के, जैसे मारवा, पुरिया कल्याण, पुरिया धनाश्री, मधुवंती, ये जो सारे राग है अगर ठीक से आप इसका श्रवण करो, आप उदासी से भागे नहीं, इस पे उदासी प्रकट होती है। देखो आज का प्रयोग, उदासी प्रकट की जाती है। इस संगीत भी ऐसा होता है, रचना भी ऐसी होती है, इसका विज्ञान भी मैं आपको बताऊं।
कि उदासी हमारे भीतर भीतर है, इसका संबंध हृदय चक्र से है। हम उदासी से भागे, उदासी से बचे तो उदासी समाप्त नहीं होती, बढ़ती है। लेकिन उदासी के साथ हम फेस टू फेस हो गए कि मैं जानूं उदासी है क्या, कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से समाप्त, कहाँ समाप्त हो जाती है, उदासी नहीं रह सकती। आज की जो रचनाओं का प्रयोग है वो इस तरह से है कि दोनों में उदासी को प्रकट किया गया है। आप स्वयं अनुभव करें कि दोनों रचना का असर आपके ऊपर क्या आता है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरी जो दिनचर्या है सांध्या समय की नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया की